एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी रेसिपी 5087 में। तो देखिए गाइस, ये है आज की हमारी रेसिपी। यम्मी यम्मी सा फिश पकौड़ा है, एकदम क्रिस्पी सा, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए मैंने फिशेस को आधा घंटा पहले ही हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इस तरीके से फ्रीजर में रख लिया था। हल्दी पाउडर ऐड करने से पहले इसको साफ तरीके से आपको धो लेना है, आप देख सकते हैं। एंड गाइस देखिए, अब हम इसमें ऐड करने के लिए बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर रेडी करने के लिए देखिए, मैंने इसमें ऐड कर लिया है कॉर्नफ्लोर को। देखिए तो गाइस, इस तरीके से मैंने लगभग हाफ कप या फिर आप बोल सकते हैं कि 3 स्पून कॉर्नफ्लोर को ऐड कर लिया है। अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब साथ में ही हम ऐड कर लेंगे धनिया और ग्रीन चिली का पेस्ट। ये भी मैंने घर पे ही बनाया है, इससे टेस्ट थोड़ा डिफरेंट सा हो जाता है। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है, तो गाइस आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैंने ऐड कर लिया है ब्लैक सॉल्ट। अब मैं साथ में ही अपने किचन के सारे मसाले, धनिया पाउडर, किचन किंग पाउडर एंड सॉल्ट को इस तरीके से ऐड कर लूँगी। अगर आप और मसाले भी यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं बस यही मसाले यूज करती हूँ तो इसलिए मैं यही बता रही हूँ आपको भी कि यही यूज कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पाइसी सा टेस्ट भी नहीं होगा बट अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑरिगेनो को ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं गाइस। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको फिशेस वैसे पसंद नहीं है तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। देखिए मैंने इसमें वाटर ऐड कर लिया है। वाटर ऐड करने के बाद अब हम इसको मिक्सर से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बैटर रेडी हो जाएगा, आप देख सकते हैं गाइस। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए एंड वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। एंड गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए इसमें मैंने जो रवा होता है वो भी ऐड कर लिया है, इससे भी और क्रिस्पी सा लगेगा ये। देखिए इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया है। एंड गाइस बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए नहीं हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके चाहने वाले भी हैं वो भी इस तरीके से फिश को कुक कर पाए और अपने घर में या फिर अपने दोस्तों को अच्छे से खिला पाए। अगर आपका रेस्टोरेंट जाने का मन नहीं है तो आप इस तरीके से ईजिली तरीके से घर पर कुक कर सकते हैं। तो गाइज आई एम श्योर कि घर का बना हुआ आपको ज़्यादा पसंद आएगा, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए इस तरीके से अब बैटर लगभग रेडी हो चुका है। अब हमने जो फिशेस को पहले से ही हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद रख लिया था, अब इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने फिशेस को इसमें ऐड कर लिया है। मैं थोड़ा जल्दी होगा करके ही सारे फिशेस को ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हैं। अगर आपका ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपको जल्दी से सारे फिशेस को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से मैं सब एक साथ में कर ले रही हूँ कि इसमें जो बैटर है ऊपर से इसमें अच्छे से कोटिंग हो जाए उसकी। तो देखिए इस तरीके से मैंने ऐड कर लिए हैं। इसके बाद गाइस ये है एकदम क्रिस्पी होने का जो सीक्रेट है वो है ये ब्रेड का मिक्सर में मैंने इसका ग्राइंड कर लिया था, तो इसका पाउडर जैसा बन जाता है। तो इस तरीके से इसकी कोटिंग कर लेंगे फिशेस के ऊपर। अब देखिए अब है हमारा फाइनल स्टेप, वो है गाइस अब हमने इस तरीके से फिशेस को फ्राई कर लेना है। देखिए ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इस तरीके से फिशेस को फ्राई कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा ही ऑयल गर्म होगा तो हो सकता है कि ये फ्राई होने में दिक्कत करें, तो उस टाइम पे आपको ऑयल से थोड़ा दूरी बना के रखना है। तो गाइस देखिए मैं पहले एक को ही फ्राई करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये फ्राई हो रहा है। आपको गैस की फ्लेम को फिर इसके बाद कम कर लेना है। देखिए गाइस इस तरीके से ये रेडी हो चुका है। आपको यही प्रोसेस को बार बार रिपीट कर लेना है। बार बार मतलब कि जितने आपके पास फिशेस हैं ना, तभी तक तो आप रिपीट कर पाएंगे। तो देखिए गाइस इस तरीके से अब मैंने और फिशेस भी ऐड कर ली है। मैं इस तरीके से इनको फ्राई कर लूँगी। जब आपको लगे कि ये फ्राई हो चुका है तो फिर आपको इस तरीके से इसको पलट लेना है, मतलब कि दोनों साइड से इस तरीके से फ्राई कर लेना है। ये धीरे धीरे आपको ऐसा फील होगा कि इसका वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ये कुक हो रहा है, आप देख सकते हैं गाइस। देखिए फाइनली बन के रेडी है हमारा फिश पकौड़ा, बहुत ही क्रिस्पी सा है। देखिए देखने में ही लग रहा है
एकदम क्रिस्पी सा, जिनको भी फिर से आज तक पसंद नहीं आए ना, तो गाइज इस तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर पसंद आएंगे। तो गाइज जल्दी से आप भी ट्राई कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।